अब इंडिया वापस जाने का टाइम आ गया है। अभी मैं दुबई एयरपोर्ट पर हूँ, मेरी फ्लाइट से आधे घंटे में है, तो फटाफट जाना है फ्लाइट पे, बोर्डिंग वगैरह क्लियर कराना और अनसर्विस का फ्लाइट। और कैच ये है कि घर पे किसी को नहीं पता कि मैं वापस आ रहा हूँ, सो इट विल बी सरप्राइज फॉर देम। दिस इज द वेटिंग एरिया एक्चुअली, ठीक है, और आते चलते हैं, देखते हैं अपनी फ्लाइट आई है कि नहीं। आई बिलीव एयर इंडिया नहीं आई अभी, अभी तो इधर इंडिगो खड़ी है। एयर इंडिया आई बिलीव लेट है थोड़ा, नो इशू, विल वेट। वन मोर अपडेट, एज यू नो मेरा वर्क फ्रॉम रिमोटली है, वर्क फ्रॉम होम, तो अभी फ्लाइट आने में देर है, तो ऑफिस का काम भी शुरू करते हैं, ठीक है। तो लेट मी सेट अप माई लैपटॉप, न्यू थैंक्स अगेन। अब लैपटॉप ऑन करने की बारी आ गई है, चार्जिंग पॉइंट वेयर आई कैन कनेक्ट, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट वर्किंग। एयर इंडिया की फ्लाइट आ चुकी है, अब कुछ ही देर में बोर्डिंग स्टार्ट होगा, सो वेलकम टू इंडिया। नई दिल्ली पहुंच चुके हैं फाइनली, अब लगेज लेके घर की तरफ चलते हैं। दिल्ली तो अब आ चुके हैं, तो सब मेट्रो का वेट कर रहे हैं, मेट्रो से फिर आगे बढ़ते हैं घर की तरफ, ठीक है, फिर देखते हैं जाके सबका रिएक्शन क्या होता है। तो फाइनली अब घर की तरफ। एक्चुअली ये सरप्राइज देने का जो मेन मकसद था, कोई प्लान नहीं था, मेरे लिए खुद भी सरप्राइज था। आज मैं सुबह करीब 4 बजे से ट्रैवल कर रहा हूँ शारजाह टू दुबई। फर्स्ट मेरा प्रोग्राम था पहले ओमान जाने का, बट जो बस वाला था ही डिनाइड, उसने ले जाने से मना कर दिया। पहले बोला कि सीट है कम, और जब मैं पहुँचा वहाँ पे तो उसने कहा कि सीट फुल है, आप नहीं जा सकते। अब सुबह के 7 बजे से आई हैड नथिंग टू डू, मैंने अपने शारजाह का रूम भी खाली कर दिया था, तो आई हैड ओनली वन ऑप्शन, इधर आई कैन वेट फॉर अनदर बस एंड देन गो बैक, और बस इधर वापस घर आ जाऊँ। आई डिसाइडेड आई शुड कम बैक टू दिल्ली, क्या घूमते घूमते ना हो गया बस।
सबसे पहले अगर मुझे पिक है कि 2 घंटे ट्रैवल करके गाजियाबाद से नोएडा जाना हो या गुड़गांव जाना हो, लाइक महाभारत में सोचते थे कैसे हुआ कैसे जाए, बट फ्रॉम पास्ट 1 मंथ अब ऐसी कमांडो ट्रेनिंग हो रही है, अब पूरा दिन ट्रैवल में निकल जाता है और पता ही नहीं लगता। तो ठीक है, ये भी एक अच्छा लाइफ का एक्सपीरियंस है जो मिलना चाहिए सब, मुझे नहीं था, मुझे मिला है इस एडवेंचरस ट्रिप के द्वारा, अच्छा था ओवरऑल। अप्स एंड डाउन्स बहुत आए, दुबई के वाइल्ड ट्रैवल ठीक है, जाके अब हाँ तो बोला तो सब पहुँचने वाले हार्डली टेक लाइक 10 to 15 मिनट्स फैमिली और फैमिली के लिए भी एक अलग ही होती है। आई कांट एक्सप्रेस वर्ड्स, घर पे अभी तक किसी को नहीं पता है मैं कहाँ हूँ। दे आर थिंकिंग आई एम ट्रैवलिंग टूवर्ड्स ओमान सिंस मॉर्निंग शारजा टू ओमान, दे डोंट नो हाउ टू गेट देयर। एक्सीडेंट इसलिए भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इट्स लाइक ऐसा प्लान किया हो राजभाग से उठ के शालीमार गार्डन जाना सिर्फ 5 मिनट के लिए, और इस तरीके से आई हैव ट्रैवल्ड ऑल द वे लॉन्ग फ्रॉम शारजा टू दुबई देन दुबई टू दिल्ली और आपका पूरा दिन निकल चुका, और पूरे रास्ते में एक बार भी थकान नहीं हुई, टायर्डनेस हुई, और ऐसा नहीं लगा कि यार क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, तो ठीक है दैट स्पिरिट केप्ट मी मोटिवेटेड। अब कुछ ही देर में जाऊँगा घर और सबसे दैट फीलिंग केप्ट मी अप एंड टायर्डनेस हुई नहीं मिली, टाइम कट नहीं रहा है, पसीने लगे फटाफट घर पहुँचा सबसे पहले तो पहुँचने वाले 10 मिनट्स। घर तो पहुँच गया हूँ, अंदर चल के देखते क्या रेक्स आता है। मीनू तू कैसे है? आ गया पापा, आ गया सीरियसली यार तुम क्या किया जा रहे तो कैसा लग रहा है आपको गाइस? ये मम्मी हो गया, मम्मी एक तरह चुप होना बंद कर रहा था, देखो कितना रो रही है, अभी शरारती है बस मम्मी। गाइस कैमरे के सामने पहले बार आ रही थी लाइव रोस हो गया आज जी, मम्मी आपने बोला था ना कि जल्दी आ जाओ। हां जी कहा था, आ गया अभी, जब मैंने गाइस आ गया था मम्मी का गाइस, पापा मम्मी को पता है क्या